में लगातार पैर पसारते कोरोना वायरस से दहशत का माहौल बन गया है, और इसी बीच मेडिकल शिक्षा सचिवालय के द्वारा किए गए शोध ने लोगों की नींद को हराम कर दिया है। शोध में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 60 से 70 हजार पहुंच गई है, 70 हजार पहुंच सकती है, वहीं लगभग 3 हजार मौत भी हो सकती है। शोधकर्ता और मेडिकल शिक्षा के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर निर्मल वर्मा ने खास बातचीत की है स्वराज एक्सप्रेस से। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये शोध में जो आप अनुमान बताए हैं, इसका आधार क्या है? देखिए, हमने जो विश्व के 12 देश हैं वहाँ से के जो डिजीज का पैटर्न रहा है, वहाँ बीमारी के लक्षण पाए जाने का, वहाँ पर डायग्नोस होने का, भर्ती होने का और ठीक होने का या मृत्यु का, इन सभी आंकड़ों को गहराई से अध्ययन किया गया है। 12 देशों में ऐसे देश शामिल किए गए हैं जहाँ पर ये समस्या पीक पे पहुँच चुकी है, तो उनके डाटा को हमने अध्ययन करने के बाद हमारे परिप्रेक्ष्य में उसका इंटरप्रिटेशन किया और इस अध्ययन में मैथमेटिक मॉडल और एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल का उपयोग किया गया है। मृत्यु, डेथ रेट की बात करें, ये मृत्यु कितने लोगों की हो सकती है आपके अनुमान के अनुसार, जो आंकड़ा बताए हैं उसके अनुसार? इस संबंध में ज्यादातर जो हमको आंकड़े मिल रहे हैं, जो अध्ययन हुए हैं, वो चाइना के हैं और उसके अलावा कुछ अन्य देशों के हैं। उसके हिसाब से भी हम चलें तो हमारे यहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो 70 हजार यदि आंकड़ा पहुंचता है 4 से 6 महीने में, तो उस सूरत में 2.5 से 3 हजार मृत्यु होने की संभावना है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारी जो पब्लिक है वो कितनी अवेयर है, कितनी जल्दी वो अपना स्वास्थ्य लाभ लेती है, चिकित्सालय पहुंच के इलाज कराती है। इसके साथ साथ ये जरूरी है कि जो मरीज हैं उनमें और कोई लक्षण तो नहीं, और कोई बीमारी तो नहीं जिसको हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं। दूसरा, जो उम्र दराज लोग को हम यदि बचा के रख पाएं तो मृत्यु की जो संख्या है ये काफी नीचे तक जा सकती है। तो इसको रोका कैसे जा सकता है? आपने अनुमान लगाया कि देखकर, लेकिन ये देखकर समझ आ गए होंगे कि लॉकडाउन के दौरान लोग कैसे रह रहे हैं, उनको कितना बताना पड़ रहा है, तो इससे समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या लगता है, कैसे रोक सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी की बात करें, जब आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं जैसे कि आपने बोला, तो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो एक तरीके से ये हमारे लिए अच्छी चीज है कि जो दूसरे गांव से इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं उनको हम जांच करके अलग कर पा रहे हैं, उनका इलाज कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम इनका इलाज नहीं करते हैं या जांच में नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि इनको बीमारी है, तो ये हमारे उन लोगों के लिए खतरा है जिनको अभी तक बीमारी नहीं हुई। जैसे कि पिछला अनुभव हमारा रहा है 3 महीने का कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत कम केसेस हुए, तो अधिकांश केसेस बाहर से आए हैं। अभी जब ये लॉकडाउन शुरू है लेकिन मजदूरों का आना शुरू हो गया, उस समय जो आ रहे हैं उन मजदूरों के बीच में जितने भी हैं ये पॉजिटिव वही निकल रहे हैं, उनको हम इसलिए जांच करके अलग कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा नेटवर्क हमने अभी तक स्ट्रांग रखा है। ये 12 देश के सर्वे की बात कर रहे हैं कि हमने 12 देश का वहाँ अनुमान लगाए, आकलन किए, तो ये कितना समय लगा और कौन कौन थे टीम पे आपके साथ? इसका लगभग हमको 10 से 15 दिन का समय लगा पूरे स्टडी करने में। उसमें मैं स्वयं था और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के मेडिकल कॉलेज विभाग की टीम थी, जिसमें प्रमुख रूप से जो काम किए हैं डॉक्टर कमलेश जैन, डॉक्टर प्रशांत जायसवाल, डॉक्टर स्वप्निल सिंकर, डॉक्टर तृप्ति और डॉक्टर प्रदीप, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और उसके बाद उसको जो है आंकड़ों को अध्ययन करने के बाद फैक्ट को सामने लाया है। आंकड़ा को रोकने के लिए या इससे ज्यादा ना बढ़े या इससे हम लोग पहले कंट्रोल कर लें, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? समय समय पर जो गाइडलाइन जारी होती है आम नागरिकों के लिए, यदि वो इसका पालन सही तरीके से करते हैं, अक्षरशा करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ ना सिर्फ मृत्यु कम होगी बल्कि यहाँ पर केसेस भी कम होंगे। उदाहरण के तौर पे अभी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन की अनिवार्यता की गई है, अभी आने वाले समय में ट्रेन भी शुरू होंगी और इसके अलावा हवाई यात्रा भी शुरू होगी। यदि उसमें भी जो लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है आने वाले लोग भी फॉलो करें और जो यहाँ के नागरिक हैं वो भी अपना बढ़ चढ़ के इस बात में हिस्सा लें कि लोग उन नियमों का पालन हम अपने प्रिय लोगों से करा सकें, ताकि वो जनता जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है वो बची रह सके। कैमरामैन सोलाराम के साथ सत्यराज कुमार, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। कोरोना संक्रमण